हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुकू टेक्निकल में। तो वो आपको सामने दिखाई दे रहा है 7.5 HP का सोलर लगाया हमने, और आज एक 7.5 HP का सोलर और इंस्टॉल कर रहे हैं। वो सामने सुंड पाइप पड़ा है, और ये एक अपना सेपलेट का सेट एक ये पड़ा है, एक वो अपना सामने सुंड पाइप के पास में पड़ा है, और एक अपना ट्राली में सेट है। तो ये अपने तीन पिलर सेट कर लिए, वो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ पिलर कौन से हैं। ये पिलर बनाए अपने देसी जुगाड़ तरीके से पिलर बना के लाए हैं। पहले वाले थे वो नहीं पट्टे थे हमने, ये 4 इंची लोहे की पाइप से वेल्डिंग करवा के बनाया, उसको सीधा मिट्टी के अंदर गाड़ दिया, कोई मसाला वगैरह नहीं डाला है। 2 नंबर पिलर ये आ गया, और 3 नंबर पिलर वो आ गया। अब इसके ऊपर अपने सेट करेंगे, देखो सीधा मिट्टी डाल रही है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर मसाला वगैरह कुछ नहीं है, सीधा नहीं लगे तुम सेट हो जाएगा ये। अभी एक तो अपने सेट कर दिया है, सीधा सीधा उतार के लाए थे, किसी से लिया था वहाँ से, और 2 बाकी पड़े, 2 पे अभी लगा देंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। एक सेट ये है जो 10 प्लेट का है, अभी इसको इंस्टॉल करेंगे उसके ऊपर। बाकी बचे अपने 2 सेट लग गए उसमें। सोलर ही सोलर हो गया है। फिर मोटर को चलाएंगे इस टंकी के अंदर, सबमर्सिबल को रख के इसके अंदर, इधर से पानी स्टार्ट कर देंगे लेवल पाइप से, फिर चालू करेंगे। ये 10 प्लेट का स्टैंड है, ये इस पर लगाएंगे, ट्रैक्टर से लगाएंगे इसको सीधा। ये देखो सेट कर दिया, अभी एक और ट्राली से फिक्स है, निपिंग वजह शुक्रिया। हाँ सुई कर लो, चारू कन्नौरा पर आगे मदिया, ये तो फिक्स आ गया ना, इस तरह से आता है भाई साहब फिक्स। मोटर कंप्लीट, अब इसको डिग्गी के अंदर डाल के चला के देखेंगे, थोड़ा थोड़ा पन्ना है। अब इसको टंकी के अंदर इंस्टॉल करेंगे। पुराना कुंड है, आराम चक्कर के थोड़ी सी सुई कर लियो। अभी इसको चला के देख रहे हैं, स्टार्ट ड्रोन तो हो गया, पंप ऑन हो गया, आरपीएम देख रहे हैं इसकी कितनी ले रही है। अब इसको चालू किया है, अपने आरपीएम ले रही है 1500 आरपीएम के अंदर ये पानी दे रही है। मदा पाइप थोड़ा सा उठाई, ये पानी दे रही है। अब ये जो 3 स्ट्रक्चर है, ये 7.5 HP का, और वो सामने 3 स्ट्रक्चर है वो 7.5 HP का है, और ये जो अपनी डिगी है वो पूरे 1 बीघे के अंदर है, 165x165 की है ये डिगी पूरी। गहराई की बात करें तो इसकी कम से कम 25 से 30 फुट के आसपास गहराई बता रहे किसान। ये सेट किया है अपने, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। ये नोजल चल रहे भाई 7.5 HP के, 20 नोजल है इस पर, 2-2 का सेट है ये सारे, 20 नोजल 20 फुट पानी के हिसाब से फेंक रहा है ये। और वो सामने चल रहे हैं, वो चल रहे हैं 7.5 HP मोनोब्लॉक के,
उस पे है 24 प्लेट और इस पे है 22 प्लेट, इतना अंतर है दोनों का। वो मोनोब्लॉक है, इसमें सबमर्सिबल है। ये चल रही है अपनी डिग्गी से, छोटी डिग्गी से, और इस डिग्गी में पानी इधर से स्टॉक चल रहा है। ये पाइप लगा रखा है अपने, इधर से आ रहा है। तो दोस्तों, अपने को अगर कम धूप में ज़्यादा फुहारे चलाने हैं तो मोनोब्लॉक यूज़ करो। मोनोब्लॉक का रिस्पांस देखिए आप सामने, वो चल रहे हैं 33 नोजल चल रहे हैं और 7.5 HP का मोनोब्लॉक है उस मोटर पे, उस सोलर पे, और 24 प्लेट है उस पे, और इस पे है 22 प्लेट अपनी, और ये चला रहा है यहाँ पर 20 नोजल कम धूप में। ज़्यादा पानी अगर अपने को लेना है तो मोनोब्लॉक ही यूज करो। 3-3 का मोनोब्लॉक है वो।